हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, जो कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है इम्प्रूव हुआ है, बहुत ही मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है। और इसके साथ भी हम ये देखेंगे कि आखिर यह इंडेक्स है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का क्या पोजीशन रहा है और ग्लोबल सिनेरियो क्या रहा है। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स व्हिच इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। दिस इंडेक्स बेसिकली मेजर्स द राइट्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट्स, लीगल राइट्स टुवर्ड्स देम। अब बात करते हैं इस पे हम। लीगल राइट्स फॉर वुमेन वर्ल्ड वाइड आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन इनिशियली परसीव्ड। कि जो इनिशियली परसीव्ड किया गया था उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो लीगल राइट्स प्रोवाइड किया गया अभी तक इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो मिला है वुमेन्स को, वह काफी लोअर रहा है एज कंपेयर टू इनिशियली परसीव्ड डाटा। वेन कंसिडरिंग लीगल डिस्टिंक्शन रिलेटेड टू वायलेंस एंड चाइल्ड केयर, Women are found to have less than two-thirds or 64% of the rights enjoyed by men. कि जितना men को मिलता है उसके comparison में हम बात करते हैं तो यह only 64% जो है available है women के पास। Earlier जो estimate था projected women had 77% of these rights, जो projection से काफी lower है, जो ये data कह रहा है, index कह रहा है। Eliminating discriminatory laws and practices hindering women from working or initiating business could result in a more than 20% increase in global gross domestic product. इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कि अगर जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है, जो प्रैक्टिसेस है जो वुमेन्स को वर्किंग में हिंडरिंग कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने में ऑब्स्टिकल्स है, अगर उन्हें रिमूव किया जाता है तो जो कह सकते हैं कि लगभग ग्लोबल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। दिस इन टर्न हैज द पोटेंशियल टू डबल द रेट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन द अपकमिंग डिकेड्स। और आने वाले डिकेड में जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है अगर इन हिंड्रेंसेस को एलिमिनेट किया जाए तो। अब हम बात करेंगे About the index, कि आखिर ये index है क्या? So this index, Women, Business and Law 2024 report was released by World Bank. This multilateral development bank releases a series of reports every year that analyze laws and regulation affecting women's economic opportunity 190 economies. और ये जो basically यह जो index है वह 190 countries का जो economies कह सकते हैं in terms of this index, 190 कंट्रीज में वुमेन्स के राइट को एनालाइज करता है ऑन द वेरियस पर्सपेक्टिव्स। द पेपर प्रेजेंटेड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ चैलेंजेज ऑब्स्ट्रक्टिंग वुमेन्स एंट्री इनटू द ग्लोबल वर्कफोर्स, हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू प्रॉस्पेरिटी फॉर देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज एंड देयर कम्युनिटीज। तो बेसिकली इस पेपर में एक इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है कि क्या ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो वुमेन को हिंडर कर रहे हैं इन वर्कफोर्स, ग्लोबल वर्कफोर्स, उनकी एबिलिटी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो एबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये इन डेप्थ एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। द न्यू इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑन लीगल फ्रेमवर्क्स अक्रॉस 10 इंडिकेटर्स। ये जो इंडेक्स है उसमें 10 इंडिकेटर्स है जिसके अराउंड यह इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। बात करते हैं सेफ्टी, मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, चाइल्ड केयर, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स एंड पेंशन। तो ये ऐसे 10 इंडिकेटर्स है जिसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। टू ऑफ दीज इंडिकेटर्स वेयर क्रूशियल, वर्ल्ड बैंक पॉइंटेड आउट। हालांकि सारे इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इनमें से जो दो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो है सेफ्टी फ्रॉम वायलेंस एंड एक्सेस टू चाइल्ड केयर सर्विसेज। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे स्टेटस ऑफ इंडिया कि क्या इंडिया का कंडीशन रहा है, हाउ डिड इंडिया परफॉर्म इन दिस इंडेक्स।
तो जैसा कि जस्ट मैंने आपको शुरू में बताया कि इंडिया ने मार्जिनली इंप्रूव किया है और इंडिया का जो रैंक है वह 113 है, लेकिन कंडीशन और भी है, क्या क्या अदर पॉइंट्स है। इंडियाज रैंक हैज मार्जिनली इंप्रूव्ड टू 113 विथ अ स्कोर ऑफ 74.4%, जो इसका स्कोर डिसाइड होता है वो 0 से 100 के बीच में डिसाइड होता है। तो इंडिया का जो स्कोर रहा है वो 74.4% रहा है और इससे इंडिया का रैंक जो है 113 रहा है। इंडियन वुमेन हैव जस्ट 60% ऑफ द लीगल राइट्स कंपेयर टू मेन, कि अगर हम मेन के मुकाबले में इंडियन वुमेन्स की लीगल राइट की बात करें तो उनके पास ओनली 60% लीगल राइट्स है, स्लाइटली बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 64.2%, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है वुमेन्स के लीगल राइट का वह 64.2% है। However, India outperformed its South Asian counterparts, where women have only 45.9% of the legal protection enjoyed by the men. हालांकि साउथ जो भी एशियन कंट्रीज है उसके कंपेरिजन में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट बींग ए ह्यूज डेमोक्रेटिक कंट्री अभी भी अगर हम वुमेन और मेन का लीगल राइट के बात करते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। इंडिया रिसीव्स वन ऑफ इट्स लोएस्ट स्कोर इन द इंडिकेटर इवेल्युएटिंग लॉज इंपैक्टिंग वुमेन्स पे, कि सबसे जो लोएस्ट कह सकते हैं स्कोर जो रहा है इन इंडिकेटर्स में वह वुमेन के पे को लेके है, जहां हम एक जगह इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि वुमेन्स को इक्वल पे मिलना चाहिए एज कंपेयर टू मेन, तो इस इंडिकेटर में यह क्लियर इंडिकेटर मिला है कि जो अभी भी यह कंडीशन है इक्वल पे का वो काफी लोअर है रहा है। व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिव फ्रेमवर्क इंडिया हैज स्कोर हायर देन बोथ ग्लोबल एंड साउथ एशियन एवरेज, हालांकि सपोर्टिव वर्क में जब हम बात करते हैं तो इंडिया का परफॉर्मेंस अदर से बेस्ट रहा है। द लोएस्ट इंडिकेटर इन फ्रेमवर्क वाज चाइल्ड केयर, सबसे जो लोएस्ट रहा है इस इंडिकेटर में जो 10 इंडिकेटर है उसमें सबसे जो लोएस्ट रहा है वह चाइल्ड केयर का रहा है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल गैप्स परसिस्टेंट, कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या अभी भी गैप्स हैं। हालांकि जैसे हम जस्ट बात कर रहे थे कि जो लीगल राइट है ग्लोबल एवरेज है वो 64.4%, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली कंट्रीज में बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज अभी भी काफी पिछड़े पड़े हैं, अफ्रीकन कंट्रीज काफी अभी भी पीछे है। इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज के कंपेयर रीजन में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इतना ह्यूज मास पॉपुलेशन होने के साथ साथ और चूंकि ह्यूज डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लीगल राइट में अभी भी काफी भी डिफरेंस है कंपेयर टू मेन एंड वुमेन। ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं, ग्लोबली द प्रैक्टिकल जेंडर गैप इज वेरी वाइड, द रिपोर्ट फाउंड ऑन असेसिंग द डिस्पैरिटी बिटवीन लीगल रिफॉर्म्स एंड एक्चुअल आउटकम्स फॉर वुमेन, कि अभी भी जो ग्लोबल लेवल पे जो जेंडर गैप है काफी ज्यादा वाइड है। शॉकिंगली देयर इज ए सब्सटेंशियल इंप्लीमेंटेशन गैप, यहां पर सबसे बड़ा गैप क्या है कि इंप्लीमेंटेशन का गैप है। लॉ बन तो रहे हैं लेकिन लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें काफी ज्यादा गैप अभी देखने को मिल रहा है, विथ कंट्रीज ऑन एन एवरेज एस्टैब्लिशिंग लेस देन 40% ऑफ द रिक्वायर्ड सिस्टम फॉर फुल इंप्लीमेंटेशन, कि जितना भी वो चीजें बन रही हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 40% से भी रिक्वायर्ड सिस्टम से जो रिक्वायर्ड सिस्टम होना चाहिए उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसमें 40% से भी कम चीजें एस्टैब्लिश की गई है। तो चीजें हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए भी तो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। फॉर इंस्टांस व्हाइल 98 इकोनॉमीज हैव इनएक्टेड लॉज मैंडेटिंग इक्वल पे फॉर वुमेन, फ्यूअर देन 1 in 5 हैव अडॉप्टेड मेजर्स और मैकेनिज्म एड्रेसिंग द पे गैप, कि 98 इकोनॉमीज ने लॉ तो इनेक्ट किया लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे इकोनॉमीज हैं जो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अडॉप्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। तो यहां पे लॉ अडॉप्ट करना ही सिर्फ कह सकते हैं कि इनफ नहीं है, उसे इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, इमर्ज एज ए सिग्निफिकेंट वीकनेस विथ ग्लोबल एवरेज स्कोर ऑफ जस्ट 36 इंडिकेटिंग दैट वुमेन हैव बेयरली अ थर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस सेक्सुअल हरासमेंट चाइल्ड मैरिज एंड फेमिसाइड, कि वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो उसमें भी ग्लोबल लेवल पे जो स्कोर रहा है वो काफी लोअर रहा है, 36 रहा है। चाइल्ड केयर लॉ ऑल्सो रिसीव्स लो स्कोर विथ ओनली 78 इकोनॉमी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल और टैक्स सपोर्ट फॉर पेरेंट्स एंड जस्ट 62 हैविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर चाइल्ड केयर
सर्विसेज, जो चाइल्ड केयर जो सर्विसेज है, चाइल्ड लॉज जो चाइल्ड केयर लॉज है, उसमें भी काफी लोअर स्कोर रहा है। अर्जेंसी इज इम्फेसाइज्ड इन रिफॉर्मिंग लॉज एंड इनएक्टिंग पब्लिक पॉलिसीज टू इंपावर वुमेन टू वर्क एंड एंगेज इन बिजनेस। सो एक अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये डिमांड कर रहा है कि जितना अर्जेंटली हो सके लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मैकेनिज्म है उसे अडॉप्ट करना, डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने जस्ट देखा कि बहुत सारे कंट्री से लॉ बनाया तो जरूर है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो चीजें चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो 40% से भी लेस है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सो रिसेंटली यह इंडेक्स रिलीज किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इंडिया का जो बेसिकली कह सकते हैं रैंक है जो मार्जिनली इंप्रूव हुआ है, और इंडिया का रैंक जो है 113 है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंडेक्स क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।